हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज है 29th ऑफ मार्च, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। 29th मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के, सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त देविंदर सिंह, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन की घंटी इसको दबा देना। इस वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हमारे साथ को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देशों की आर्थिक प्रतिक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए पॉलिसी ट्रैकर लॉन्च किया है? सो दोस्तों, ऑप्शन ए है WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पॉलिसी ट्रैकर लॉन्च किया है रिसेंटली IMF ने। IMF का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC में, और इसके CEO हैं क्रिस्टानिया जॉर्जिया। यहाँ पर बात आई है WHO की, WHO का हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और इसके CEO हैं टेड्रस एंड नॉम। वहीं बात करें वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में, और ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर हैं शशिकांत दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? 2004 में UPSC IAS में पूछा गया है क्वेश्चन है। ऑप्शन है डिफेंस, इन्वायरमेंट, होम अफेयर्स या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर्वे ऑफ इंडिया जो काम करता है वो करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर बात आई है डिफेंस की, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, इसके हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अमित शाह, और साइंस एंड टेक मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन। ओके, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जापान, बी चाइना, सी जर्मनी, डी रूस। तो टेक्निकल क्षेत्र के लिए जिसमें रेलवे का काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा, ये किया जाएगा अभी जर्मनी के साथ, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। जर्मनी की यहाँ बात आई है तो जर्मनी के चांसलर कौन है? चांसलर ऑफ जर्मनी जी एंजेला मार्कल, ठीक है। और जर्मनी की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है इसकी बर्लिन, और यहाँ की करेंसी कौन सी है? यूरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत कौन से राज्य ने की? ऑप्शन है राजस्थान, बी पंजाब, सी ओडिशा या डी हरियाणा। तो ये शुरुआत की है ओडिशा ने, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक। ओके, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। तो यहाँ पर और थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूँ, यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 10, और यहाँ पर विधानसभा की जो सीट हैं वो 147। ओके, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, कैपिटल इसकी है भुवनेश्वर ओडिशा की। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते अब टोक्यो ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है हर फील्ड में, चाहे वो GDP हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री हो, तो यहाँ पर खेलों के ऊपर भी इसका असर होना वाजिब था। तो टोक्यो ओलंपिक की जो इसको स्थगित किया गया है 2021 तक, अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक होंगे। पांचवा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी रशिया। तो 2020 ओलंपिक से टोक्यो में जो होने जा रहे हैं उसमें से एग्जिट करने वाला पहला देश बन गया है कनाडा। कनाडा ने इसमें से अपने आप को अलग कर लिया है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कनाडा की बात आई है तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, यहाँ की करेंसी है डॉलर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी टिकटॉक, ऑप्शन डी गूगल। तो इसकी शुरुआत रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है व्हाट्सएप के ऊपर, माई कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरोना वायरस के पेशेंट का इलाज करने वाले डॉक्टर के द्वारा पहने जाने वाले सूट का क्या नाम है? ऑप्शन ए हजमत सूट, बी वाइट कोट, सी लेबोरेटरी कोट या डी सर्जिकल एप्रन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हजमत सूट। ये ऐसा सूट होता है जिसमें वायरस जो है ना किसी भी बीमारी का डॉक्टर्स की बॉडीज़ को इम्पैक्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज सूट होता है जिसका नाम रखा है हजमत सूट, जो डॉक्टर स्पेशली पहनते हैं या फिर लेबॉरटरी टेक्नीशियन इसको पहनते हैं। सो दोस्तों, ये थे आज के टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत नया कुछ जाना होगा। मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बाय वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।